जिसमें बेदी का भतीजा संजय त्रिखा भागने में सफल रहा है। राहत अली, श्याम कुमार और हैदर अली की गिरफ्तारी बाड़ूजई और जलाल नगर से की गई है। इनके पास से 1,04,000 रुपये कैश बरामद किए गए हैं। सट्टा पर्ची रजिस्टर। और जिले में एक बार फिर चला सट्टे अभियान पर पुलिस का हंटर। हालांकि आपको बता दें, बेटी का भतीजा संजय जो आप देख रहे हैं वो भागने में सफल रहा, लेकिन उसके और गुर्गे पुलिस ने पकड़ लिए। सदर बाजार क्षेत्र से आपको बता दें, बड़ी मात्रा में सट्टे की शिकायतें आ रही थी। इसी बात को लेकर पुलिस ने शिकंजा टाइट करा, पकड़ लिया सटोरियों को। मैं नकदी जिसमें 1,04,000 रुपए के आसपास रकम भी बरामद हुई है। हालांकि एसपी सिटी का कहना है कि बेदी का भतीजा संजय, जो कि इससे पहले भी जा चुका था जेल सट्टे के मामले में, इस बार भी पुलिस की गिरफ्त से बच गया और भाग निकला। लेकिन पुलिस ने 3 गुर्गों को धर दबोचा और उनके पास से बड़ी संख्या में नकदी भी बरामद करी है। और इस तरीके से पुलिस का हंटर एक बार फिर चला सटोरियों के ऊपर, सट्टा अभियान के ऊपर, क्योंकि आए दिन शिकायतें मिल रही थी सट्टे को लेकर। लेकिन पुलिस जागी और जागने के बाद एक बार फिर चलाया पुलिस ने हंटर और गिरफ्त में आए 3 गुर्गे, बड़ी मात्रा में नकदी, लेकिन संजय भाग निकला। एसपी सिटी का यह कहना है कि बेदी का भतीजा संजय पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका, लेकिन बहुत जल्द होगा पुलिस की गिरफ्त में। एक बार फिर बता दें कि सट्टे का अभियान, पुलिस की धरपकड़ हुई चालू। बीती रात पुलिस ने शिकंजा टाइट करा सटोरियों के ऊपर, तो बड़ी मात्रा में नकदी भी पकड़ी और सटोरी, जो कि जिनको खाईबाड़ कहा जाता है, वो भी पकड़े गए। जो आप देख रहे हैं, नकदी भी पकड़ी गई, सटोरिये भी पकड़े गए, लेकिन बेदी का भतीजा संजय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बहुत जल्द होगा पुलिस की गिरफ्त में। एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा विस्तार से आपको हम दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें कि सट्टे पर पुलिस का एक और शिकंजा। शाहजहाँपुर में अभियान चला के लगभग 1 साल से सभी सटोरियों को पकड़ के जेल भेजा गया है। इसमें जितने बड़े सटोरिये थे सब पे कार्रवाई की गई है। बेदव्यास जो यहाँ का सबसे बड़ा सटोरिया माफिया था, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। उसकी भी सारी जो कार्रवाई थी उस पर रोक लगाई गई थी। इस बीच में फिर सट्टे चलाने की सूचना आ रही थी, जिसमें पुनः कार्रवाई प्रारंभ की गई। कई बार लोग पकड़े गए और एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की पुनः गिरफ्तारी की गई है। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स इन फ्यूचर, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.